नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, मैंने लास्ट के वीडियो में जो अभी LTC कैश वाउचर के रिगार्डिंग जो वीडियो था उसमें बताया था कि कौन लोग ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं और कौन लोग फ्लाइट के लिए एलिजिबल हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डाउट थे जो कि बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि किसको ट्रेन मिलेगा किसको फ्लाइट मिलेगा। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ जो 7th पे कमीशन के बाद LTC इंटाइटमेंट के लिए जो ऑर्डर आया था कि कौन सा एम्प्लॉय ट्रेन के लिए एलिजिबल है और किस ग्रेड पे या पे मैट्रिक्स वाले फ्लाइट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये आप देख लें, ये जो ऑर्डर आया था वो 19 सितंबर 2017 का है, लेकिन इसमें जो मैंने बता दिया वो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया था कि आपका अगर 4200 है उससे ऊपर के हैं तो आप LTC में फ्लाइट के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो 6th पे कमीशन तक वो था। लेकिन अभी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप TA के लिए तो एलिजिबल हैं वो लोग भी फ्लाइट के लिए, लेकिन LTC वो लोग ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं। मैं भी आपको दिखा देता हूँ पे मैट्रिक्स क्या क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे रहा है एक्सेप्ट द एयर ट्रेवल इंटाइटमेंट फॉर लीव Level 6 to Level 8 ऑफ द पे मैट्रिक्स। तो यहाँ पे पहले कर दिया कि LTC सेल विद द सेम एज TA इंटाइटमेंट, जो TA के लिए मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज जो होता है, जैसे बहुत बार होता है कि आपकी जिस पोस्ट में वो ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको एक सिटी से दूसरे जगह पे आपका ट्रांसफर हो गया, तो वैसे केस में आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो जो 6 लेवल Level 6 से लेकर Level 8 के बीच में जो एम्प्लॉय है वो भी इकोनॉमिक क्लास के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जब आपको LTC का लेना होगा तो जो Level 6 से Level 8 में है उनको भी ट्रेन का ही फेयर मिलेगा, उनको फ्लाइट उस केस में नहीं मिलेगा और वो जब ये LTC क्लेम करेंगे। तो इससे ये होता है कि LTC क्लेम करने के लिए जो लोग Level 9 या उससे ऊपर के लेवल पे मैट्रिक्स में हैं वही लोग फ्लाइट के लिए इंटाइटमेंट है LTC में। तो जो कैश वाउचर का अभी ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग भी जो लोग Level 9 से ऊपर के पोस्ट में हैं वो लोग फ्लाइट वाले कैश इन वाउचर क्लेम कर सकते हैं, और जो लोग Level 8 तक में है 8 या 8 के नीचे में वो सब लोग ट्रेन के लिए ही कैश वाउचर क्लेम कर सकते हैं, यानी 6000 पर फैमिली मेंबर। तो ये थोड़ा सा डाउट था जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि LTC जो होगा वो 6th पे कमीशन 6th लेवल से जो लोग होंगे उन सबको फ्लाइट के लिए मिल जाएगा, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज उनको तो फ्लाइट का मिल जाएगा Level 6 से जो भी हैं, लेकिन अगर वो LTC लेना है तो वैसे केस में वो ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं। तो जो लोग कैश इन वाउचर क्लेम करना चाहते हैं इसको नोट कर लें कि अगर आपका पे मैट्रिक्स जो है वो Level 9 या उससे ऊपर का है तभी आप फ्लाइट के लिए एलिजिबल हैं, उसके नीचे के जो लोग भी हैं पे मैट्रिक्स में वो ट्रेन के लिए एलिजिबल हैं कैश वाउचर अगर क्लेम कर रहे हैं। तो ये डाउट था इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। कैसे बहुत लोग इस पर कमेंट कर रहा था, मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि आप फ्लाइट के लिए एलिजिबल होंगे, इन फ्लाइट के लिए आप LTC में नहीं होंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है TA जब आपको जो क्लेम करना होता है उसके लिए आप फ्लाइट एलिजिबल होंगे, और बाकी जो कंडीशन था उसमें वही रहेगा LTC के लिए। ये पुराना ऑर्डर था, मैंने मेनली आपको इसलिए दिखा दिया कि लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था उसका क्लेरिफिकेशन हो जाए आपको। उसके अलावा जो लोग अलग अलग कमेंट्स उस पर कर रहे हैं कि कौन सा सामान खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं थोड़ा सा जो ऑर्डर था कैश वाउचर का उससे ही आपको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से, ताकि लोगों का और डाउट क्लियर हो जाए। ये ऑर्डर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जिसमें वो क्लेरिफिकेशन आया था कि क्या आप ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैं बेसिक जो चीज़ें वो बता दे रहा हूँ। जैसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं अगर कार लूँगा लोन पे तो वहाँ मिल पाएगा कि नहीं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। आपको 2-3 कंडीशन जो है वो याद रखना होगा। पहला कि जो भी आप सामान ले रहे हैं वो 12% या 12% से ऊपर के GST वैल्यू में आता हो। दूसरा जो होना चाहिए, आप जितने LTC के लिए एलिजिबल हैं उसका 3 टाइम आपको बिल दिखाना होगा। और जो थर्ड होगा कि आपका जो भी पेमेंट होगा वो डिजिटल मोड पर होना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। आप ये बोल सकते हैं कि आप या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, और जो बिल बनाए वो जो एम्प्लॉई है उसके नाम पे बिल होना चाहिए, विथ GST रजिस्टर्ड वेंडर होना चाहिए जो भी दुकान। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन से कुछ खरीदारी करें, ई कॉमर्स जितने प्लेटफॉर्म्स हैं चाहे वो अमेजन हो फ्लिपकार्ट हो या और भी जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी अगर आप कुछ वैसे सामान ले रहे हैं जिसका वैल्यू पे जिस प्रोडक्ट पे 12% है उससे ऊपर का GST है,
तो वो प्रोडक्ट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दुकान से जो सामान ले रहे हैं उसके लिए ही, ई कॉमर्स वाले जो सामान है उसके लिए भी आपको LTC कैश वाउचर जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत लोग इस पे डाउट कर रहे थे, इवन कुछ लोगों ने कमेंट किया था कार के रिगार्डिंग, स्कूटर के रिगार्डिंग, कि अगर मैं स्कूटी या बाइक ले रहा हूँ तो मिलेगा कि नहीं। तो सारे 12% या उससे ऊपर के GST वाले प्रोडक्ट हैं, तो उस सब में आपको मिल जाएगा। बस आपका दो तीन जो कंडीशन मैंने बताया कि पेमेंट डिजिटल होना चाहिए, बिल एम्प्लॉई के नाम पे होना चाहिए, और आप उसको ऑफलाइन ले रहे हैं या ऑनलाइन उससे कोई मतलब नहीं है। दो तीन कंडीशन जो है वो आपको सिर्फ फुलफिल करना चाहिए, तो आप कैश वाउचर के लिए एलिजिबल हैं। और जो लोग जिस अपने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ पे अप्लाई करके ले सकते हैं, इसमें एडवांस का भी आपके पास ऑप्शन है। जो इंटाइटलमेंट आपके लिए जितना बन रहा है उसका 50% आपको एडवांस में मिल सकता है, और बाकी पैसा जो आप जब बिल जमा करेंगे उसके बाद आप क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वो सब 12% है उससे ऊपर के GST में आते हैं। तो जो लोग भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीद रहा है, चाहे वो फ़ोन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो या टेलीविज़न हो, अगर वैसा कुछ प्रोडक्ट किसी ने खरीदा है, बिल आपके नाम पे है और पेमेंट डिजिटल मोड पे है, डिजिटल मोड से आपने पेमेंट किया है, तो सब जो भी आपका बिल होगा वो आप रख सकते हैं क्लेम के लिए, वो सारे आपको क्लेम मिल जाएगा। बस आपको ये याद रखना होगा कि जो बिल होना चाहिए जिस टाइम ये ऑर्डर आया था, ये ऑर्डर नहीं, ये तो 20 अक्टूबर का है, इससे पहले जो इसके रिगार्डिंग ऑर्डर आया था, कैश वाउचर के रिगार्डिंग जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के बाद का आपका बिल होना चाहिए। बस कंडीशन उसमें यही होगा, उससे पहले का बिल नहीं होना चाहिए, उसके बाद का बिल होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस कंडीशन यही है। और भी है बहुत सारे चीज़ें, जैसे अगर किसी का घर में कुछ काम चल रहा है तो बहुत सारे इंटीरियर पार्ट होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, इवन टाइल्स हो गया, अगर वो सब भी अगर किसी को खरीदना है तो सारे चीज़ें 12% है उससे ऊपर के GST में आते हैं। तो आपको सिर्फ दुकान वैसा चूज करना होगा जो कि रजिस्टर्ड GST दुकान हो, और पेमेंट भी आपको डिजिटल करने को वहाँ पर ऑप्शन हो, तो वो सारे प्रोडक्ट भी खरीद के आप उसका बिल भी कैश वाउचर के अगेंस्ट दिखा सकते हैं। और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अलावा कुछ होम जो डेकोरेशन वाले सामान है वो सब अगर कोई खरीद रहा है, अगर ज़रूरी है, तो चाहे जो लोग कुछ कार या बाइक ले रहे हैं, वो सारे बिल जो होंगे वो सब GST 12 या उससे ऊपर के कैटेगरी में आते हैं, तो वो लोग भी अपना क्लेम ले सकता है उस बिल जमा करके। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई में है और इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं शेयर करें, ताकि सब लोगों को इसके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो पाए। और जो LTC के लिए मैंने बताया कि जो लोग 8 तक है वो ट्रेन के लिए ही एलिजिबल होंगे, जो ऑर्डर है 7th पे कमीशन के बाद, और जो लेवल पे मैट्रिक्स 9 या उससे ऊपर के हैं वो लोग फ्लाइट के लिए एलिजिबल होंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।